भागत 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 है, जन्म जन्म का सोया मन जागत 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 है। उत्थे सत्संग जगाया जाता जीव, और उस सत्संग का जो ज्ञान है चक्षु साढ़े अज्ञान दे उसने हटा के ए ज्ञान का सोना पाया जाता है, और फिर सतगुरु दया जीव दिलते होंगी। हम अगर ऐसे जीव की करते हैं संसार सवेरे उठा दुकान खोली पूजा की तीन पानी चिट्टे मारे वो कर बैठ जाने असं समझते हैं भी यह साडा कर्म है। और गल भी ठीक है कर्म कसाई सबने भी कसाई सी वह भी कर्म करता सी, रविदास जी भी जुटियां गाते सी वह भी कर्म करते सी, लेकिन सतपुरुष कहलाते सी। क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्मा उन्होंने मन अपने सतगुरु के शब्द के विच लीन सी और ज्ञान के विच सी। उन्होंने कोई गर्ज नहीं सी किसी किस्म की मेरे जीवन है मेरे को राजा है मेरे को अमीर आदमी है मेरे को आप ही सब कुछ होंगे ने धर्म अर्थ काम मोक्ष उन्होंने अगे पिछे फिरते हैं सतपुरुषों के, इस करके उन्होंने किसी की तलाश नहीं होंगी। वो चीज ऑटोमैटिकली उन्होंने अगे अपने आप आई जाती अपने आप आई जाती। तो इस करके सतपुरुष का जिंदा इबादत करनी, जिंदा उसका हुक्म मनना, जिंदा उन्होंने भक्ति करनी, उन्होंने रजा के लिए चलना, यही सच्ची इबादत है। और शाम में सुबह अपने टाइम निकल करके रखो कि इन्ने बजे मैं भजन करना है, थोड़ा करो कुछ करो, रात में करो जिथे तुम शांति मिलती है, ऐसी जगह पर जिथे कोई करता करना तुम अच्छा लगता है उथे बैठ जा चुप कर शांत पाव बैठो और अभ्यास करो। क्योंकि जेड़ी महाराज जी ने इतना मौलिक पदार्थ तुम दिता है उसने शासन दिता भी तुम टलांग बंद करके जंग लगी जाए बुद्ध ती। एक गल देखो अगर तुम दो दिन या एक दिन भी बाहर के राग रंग सुनो तो जोड़ा अंदर राग हो रहा है इन्हें तो पता लगता है तुम्हें कि हो रहा है, लेकिन एक क्लैरिटी नहीं आती। रेडियो का चैनल आया करके देख लो तो जिथे आवाज ठीक आती है उथे उस आवाज में सुनते हो म्यूजिक गाने। इस राही अंदर का चैनल भी जोड़ा है बाहर के राग रंग सुन के नाल जी कलैरिटी है ना वो डिमिनिशन भी करती है हलवा। इस करके रोज दोनों टाइम अभ्यास करो चाहे थोड़ा करो, जिस वे दिन करो उस वे बैठ जाओ चाहे लेट भी करी जाओ, मतलब तो भी असं शाम शाम को सुनना है शाम को सुनना है। और किसी वे अचानक उसकी मौज आती है उस वे बहुत ही दया होंगी बहुत ही कृपा होंगी। इस करके हर वे अपना जी स्वरूप है अपना ध्यान जोड़ा है वो सतगुरु के लगा रहे तो बहुत अच्छा है। टाइम नहीं दिसता है कि बड़ा सिंपल है सत्संग क्योंकि वो कोई मंत्र नहीं कोई संस्कृत नहीं कोई कुछ नहीं, लेकिन यही सत्संग सब ना उच्चा है जोड़ा कि उस मालिक काबिल में पसंद है और हुक्म है उसका इलाही। इस तरीके मेरे को आ सकते हो और कोई तरीका नहीं कह सकते भी ना त्रेता ही ना द्वापरी ना कलयुग। कलयुग की है सच्चा नाम का संगम करो, जीवन सतगुरु की इबादत करो, सतपुरुष जो है ने उन्होंने ध्यान करो, यही सही मार्ग है परमार्थ का करने का। अब में परमार्थ अस चलो पहली पौड़ी च करते पे हाँ करते करते जो शरीर जब त्याग जाएंगे तो दूसरी पौड़ी भी साढ़े सामने आएगी, तीजी भी आएगी, चौथी भी आएगी। फर्स्ट ईयर करो सेकंड ईयर करो थर्ड ईयर करो, लेकिन बी ए अग्नि हो जाएगी शर्त कि तुम वो संस्कार तेरे नाल आन और तुम उसमें जारी रखो और जारी अपने आप हो जाएगी। तुम्हें भी करना हम तुम अपनी कोशिश में लाया मारे भी दरबार सतगुरु ने खुद तुम खिंच के थे जो सतगुरु होंगे ना वो बड़े बेखला होंगे वो दीना ना नहीं भरते जाते दुकानदार कभी देखे भी गाहकों घर जाकर कहते मेरे को आके सोना खरीदो मेरे को आके हीरा खरीदो, हीरा और सोने वाले कोई नमक मिर्च नहीं खरीदने दो तुम दुकान पर जाने वो तुम देखो तुम घर आके। इस तरह ही वो मालिक का मन मन इतना खूबसूरत है और जो कि असं भी नहीं जानते वो किस तरह जीवन लिया लिया के जिन्हें जिन्हें बीमारी है सब कुछ तो दरबार में जाता है और अंदर का जाग आता है।
अंदर यही दक्षता। जाति बरानी कुल ही करम नसाया, साधु मिले जब साधु कहाया। इस तीन सत्पुरुषा नहीं देख रहे कि यह ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, छिंदा है, चुम्हार है, लोहार है, नथिंग। यह राजा है उनके वास्ते सब बराबर। जब सतगुर के संग मिल जाएगा, चाहे कोई कितना ही आदम है, चाहे कितना ही नीच है, जब सतगुर में संगत करेगा तो सतगुर का रूप ही हो जाएगा। उसके अंदर वही गुण अंदर आ जाएंगे जो सतपुरुष चाहता है कि वो पवित्र हो। जैसे कहने में दिल का उजड़ा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, हुजरा मीन अपने मन साफ कर। अगर तुम उस मालिक ने अपने अंदर बसाना है, क्योंकि वो मालिक इतनी पवित्र और उच्ची चीज है, जिन्हें देर तक तेरे अंदर बाहर दे पोल्यूशन होगी तेरे मन में, उन्हीं देर तक वो आके नहीं बैठेगा। वो उधर ही बैठेगा जब तू साफ करेगा अपने अंदर। राग ईर्ष्या द्वेष आशा मनसा तृष्णा, ये सब चीजें जरिया ने, ये सब चूठिया लगन गई है। जब सतगुरु अपने मन दे में जा जाएगा, अपने आप दिल नहीं करेगा उन चीजों के बारे सोचने के वास्ते। इस करके जो संत रविदास जी, इन्हों का की काम से भी सिर्फ जुटिया गंदे से और अपने आराम नाल बैठे रहते, भजन करते, बंदगी करते। एक बार राजा भी आ गया, देखो संत रविदास जी देखो प्रसाद दिता, देखा भी राजा आ गया, तेन मैं कुछ दया जुटी गंढ दे। उन्होंने जो पानी पिया हों को कटोरे जुटी देने वास्ते, वह चुके ऐसा करके ना उन्होंने उन्होंने जरा तो पकड़ लिया पानी, लेकिन वह पीन की बजाय ना अपना जो रेशमी कोट से ना रेस्ती ना चले। आया लुक लुक के राजा की लोक ना कहे रविदास को चला गया, रविदास तो ऐसा है जितना बनाता है करता है। कर जाके उसने कोट उतार के तो भी नहीं देखता कि इसने तो के लिया चंगी तरह ठीक करके, वो तो भी मैं अपनी कुड़ी को देखता थी इसने साफ कर चंगी तरह। वो जब साफ करते हैं तो भी लोग जिथे दान किया है उन्हें मुंह च चूसते हैं, थुक के ऐसी तस्वीर है ये दान उतर जाता है। बस वो लड़की जिसे चूसो वो अंदर तो ऐसा यानी एक ब्रह्मांड ही हिल गया सारा उसके अंदर, अजीब हालत वो भी हो गई। बड़ी उच्चिया गलत करने लग पी, बड़ी गाबी गलत करने लग पी, सारे देखने भी है कि हो गया दुनिया आ गई उत्थे पीने मथे टेकन की। राजे का कोट इन्हें इंज किया तो नहीं क्या हो गया। दर असल संत रविदास जी ने पानी जो दिता से अमृत से ज्यादा दिशा पानी गया से तसई सी कि उन्होंने अंदर दुआ हुई कि क्यों ना इसने दिता जाए जो राजा इन्नी अपनी लोक छड़ के आया मेरे को। लेकिन आया सिर्फ देखने से कि यह पुरुष कैसे ने चिथे कि भाई मैं जाके देखा तो सही। वो लड़की कुछ तो कुछ बन गई तो राजे फिर पछतावा आया, हूं वो तो मैंने उन्होंने पीन में दिता से प्रसाद तो मैं इस तरह ही लापरवाही के बिना करना के मैंने करम ही इनको ना मिले भली भांग के भोग फल पाके मुक्का के भोग चौंच को रोड गए। करम ही जीव है ना वो तो अगर हीरा ही पिया है ना तो संगत नहीं की चीज है। लेकिन करने वाले वही हीरा में बनाता और अपने हाथी पकड़ बनता है। इस तरह ही उसमें भी किस्मत माड़ी सी, वो उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। इस तरह जीव में क्या जाता है कि अगर तू गुरु पे अपनी थुकनी दे रहे ना तो शास्त्र वेद क्या संता ने कहानियां कहनी है तो थुकने में चटिया चाहिए वो बिच अमृत जाते। तो मैंने बांस के बीच एक लोचन बंश लोचन बन